जो बीते हफ्ता हम प्रचार किए थे, बीते हफ्ता पिछली महिमा बड़ी होगी, उसी मुद्दा के आधार पर आज भी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बड़ी होगी। जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा परमेश्वर हमारे जीवन में अपने महिमा को प्रकट करता है, यही सच्चाई है। कभी आप विश्वास करें, कभी आप अविश्वास करें, एक दिन विश्वास, एक दिन अविश्वास, एक महीना बहुत आत्मिक जीवन में बहुत जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, दूसरा महीना एकदम आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएंगे, महिमा को हम प्रकट परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना है, उसका मैं उसकी मैं नींव की बात बतला रहा हूं, विश्वास में स्थिर रहिए, विश्वास में कभी भी डगमगाइए मत, विश्वास में अटल रहिए। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा? हालेलुया, एक बार मैं और बोल रहा हूं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक महान परमेश्वर का दास थे, उस जाट मुल्लर, उनकी सेवकाई में परमेश्वर उनकी विश्वास के कारण बड़ी बड़ी अद्भुत कामों को, चिन्ह और चमत्कार कामों को किया। इतना विश्वास में वो व्यक्ति जीते थे और उस विश्वास के कारण परमेश्वर उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर की महिमा को अगर देखना आपके जीवन में, परमेश्वर पर 100% विश्वास रखिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता, मैं एक भूमिका दे रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप इस बात की तमाम संपूर्ण आशीर्वाद को प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता गवाही देता है। वो क्या गवाही देता है, मैं मुझे आप लोग देख करके, मेरी कामों को देख करके, मेरे प्रचार को देख करके, मैं जब बपतिस्मा देता हूं उन बातों को देख करके, तुम लोग बहुत परमेश्वर को महिमा करते हो, मुझे बहुत महान समझ रहे हो, मुझे बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हो, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता समझते हो, अच्छी बात है। लेकिन मेरे पीछे यानी मेरे बाद में जो आने वाला है वो मुझसे भी सामर्थी है, पिछली महिमा बड़ी होगी। बात को समझने की कोशिश कीजिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय में लोगों ने जो महिमा को देखा है, उस महिमा को देख करके वे चकित हो गए थे, अचंभे कर रहे थे, पीपल वर अस्टानिश, अचंभे कर रहे थे, एकदम ये कैसे चमत्कार है, ये कैसा प्रचार है, ये कैसा वचन है, क्योंकि वो डायरेक्ट हेरोदेस जो उस समय का जो राजा था उसको डायरेक्ट बोलने लगा कि तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, तुम्हारे भाई की पत्नी को तुम अपने साथ रखी है पत्नी की तरह, इस प्रकार उसकी प्रचार की आग उगलता था उसकी बोली से। और लोग जो बपतिस्मा लेने के लिए आते थे उन लोगों को डायरेक्ट मुंह पर बोलता था कि ये सांप के बच्चे, आने वाले प्रकोप से तुम्हें कौन बचाएगा। इस प्रकार के प्रचार सुनने के बाद लोगों का कान खड़ा हो गया और भीतर भीतर घबरा रहे थे, ये कैसा प्रचार है, ये कैसा भविष्यवक्ता है, ये कैसा परमेश्वर का दास है। आपको मालूम होना चाहिए ये बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है, पुराना नियम और नया नियम के बीच में 400 साल एकदम एक बहुत बड़ा कालीपन, एक आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा सुखापन थी, उसके चलते 400 साल परमेश्वर की आवाज को लोग सुन नहीं पा रहे थे, इस्राएली लोग, परमेश्वर उनसे अलग हो गया 400 साल के लिए, उनके लिए ना कोई भविष्यद्वक्ता, ना कोई याजक, ना कोई उनके लिए शिक्षा देने वाला, ना कोई अगुवा उनके लिए थे, उसके चलते वे सब कोई बिखर गए थे, तितर बितर हो गए थे। उस समय में परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को खड़ा किया, तब उनके देख करके लोग, ये कैसा महिमा है, बहुत बड़ी महिमा हमारे बीच में प्रकट हुई। और लोग बाइबल धर्मशास्त्र बताते हैं, आप घर में जाकर के पढ़िएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की रोशनी में
उसकी प्रकाश में लोग आनंदित थे और मगन थे। इन बातों को देखने के बाद लोगों के अंदर इस प्रकार का प्रभाव पड़ गया, इसलिए वे कहने लगे कि कैसे महिमा है। तब उसने अपने मुंह से कहा, मेरे बाद में जो महिमा आने वाली है वो जबरदस्त है, पिछली महिमा बड़ी होगी। मेरे बाद में जो उद्धार करने के लिए उद्धार करता है संसार में आएगा, उसका नाम यीशु, उसकी महिमा बड़ी इस संसार में बड़ी होगी। एक बात को समझ लीजिएगा, जब जेल काना में पकड़ करके बंद कर दिए थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, वहां का राजा हेरोदेस उस समय जेल से वो आदमी को भेजता है, यानी अपने चेले लोगों को भेजता है यीशु मसीह से पूछने के लिए। क्या पूछ रहा है कि आने वाला आप ही है या और कोई आने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कंफ्यूज हो गया यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए आया था वो पानी में है, यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, बहुत लोगों को बपतिस्मा दे ही रहा था, अचानक प्रभु यीशु मसीह आया, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास जब आते देखा, तब उसने कहा देखो दुनिया के संसार के लोगों की पापों को उठा लेने वाला परमेश्वर की ओर से भेजा गया मेमना यही है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही पहचान दुनिया के लोगों को दे रहा है, वो पहचानता था तभी तो पहचान दे रहा है, दूसरों को पहचान करा रहा है। बाइबल धर्मशास्त्र में यीशु मसीह को लोगों की यीशु मसीह की परिचय देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा दाता, लोगों को परिचय देता यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह अपने से नहीं कहता है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा देने से पहले कहता है यही वो महिमा है मेरे बाद में आने वाला करके मैं जिसके बारे में कहा था वो यही है। ध्यान दीजिएगा, यीशु को लोगों के सामने संबोधित करता है यही परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया के हर इंसान के पापों को उठा ले जाने वाला और सभी लोगों के पापों के लिए वध होने वाला, बलिदान होने वाला, जीवन देने वाला, यही परमेश्वर का मेमना करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहचान दिया है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, अगर परमेश्वर की महिमा को देखना आपके जीवन में, विश्वास में, प्रार्थना में, पवित्रता में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ की संगति में और परमेश्वर के लोगों के साथ की संगति में मजबूत रहिए, तभी आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा देने के दिन में यीशु मसीह के बारे में ऐसा बोला था, आप बाइबल उठाकर के पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। मैं उसकी विश्वास के बारे में बोल रहा हूं, जब वो जेल काना में था तब उसके चेले उसके देखने के लिए उससे मिलने के लिए गए थे, तब चेलों से वो कहता है जाके यीशु मसीह से पूछो आने वाला आप ही है या और कोई आने वाला है उसकी इंतजार हम करें। तब प्रभु यीशु मसीह, ध्यान दीजिए बाइबल धर्मशास्त्र में एक हिसाब है, वो क्या है, बीज बोने वाला बीज लेकर के निकला और वो अच्छी भूमि में जो बीज गिरी थी उसमें से 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल मिला। अब आप इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो सवाल किया है यीशु मसीह से, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही दुनिया का मेमना, वही दुनिया के लिए वध होने वाला, यही प्रभु यीशु मसीह जो विश्व भर के लोगों की उद्धार करने के लिए आया करके जो पहले प्रचार किया, बाद में अपने चेलों को भेज के पूछवा रहा है कि आप ही आने वाला है या दूसरा कोई आने का हमको इंतजार करना। वेरिएशन ऑफ फेथ, विश्वास ऊपर नीचे जाता है, पहले विश्वास में बहुत तगड़ा था, अब विश्वास में कमजोर हो गया, जेल में रह करके पूछ रहा है कि जाके पूछ के आओ हमको बतलाओ। हमारे भी जीवन में ऐसा हो सकता है, जब ऐसा होता है उसके लिए मैं बोल रहा हूं, जब आप इस प्रकार अप्स एंड डाउन्स में, विश्वास में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार आप होने लगेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर की महिमा को आपको देखना मुश्किल है।
मैं बड़ी अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं, बाइबल की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इसराइल से, इसराइली लोग मिस्र देश से, बाइबल स्कॉलर कहते हैं जो विद्वान लोग होते हैं बाइबल की, उन लोगों में से कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि लगभग 30 लाख लोग रहे होंगे जो मिस्र देश से इसराइल के ओर रवाना होने वाले, मिस्र देश से इसराइली लोग इतने लोग रवाना हुए थे मूसा के साथ, लगभग 30 लाख लोग हो सकते थे। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते 29 लाख लोगों में से मात्र जो मिस्र देश से निकले थे उनमें से मात्र 2 जन इसराइल देश का अंदर प्रवेश किए, यानी कानान देश का अंदर प्रवेश किए, एक यहोशू दूसरा कालेब। बाकी लोग जो उनके साथ उस कानान देश का अंदर प्रवेश किए थे वे 40 साल जो मार्ग में वे लोग जो सफर करते रहे, उस समय में जो बच्चे जन्म लिए उन बच्चे कालेब और यहोशू के साथ इसराइल देश के अंदर गए। बाकी जितने लोग पहला दिन मिस्र देश से निकले थे, हम कानान देश, अपना इसराइल देश, अपना जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, उस उत्तम देश जहां पर मधु और दूध की धाराएं बहती है, उस देश में हम जाने वाले थे, उस देश के अंदर हम प्रवेश कर, बोली तो बहुत अच्छा था लेकिन विश्वास नहीं होने के कारण रास्ता पर परमेश्वर पर विश्वास अविश्वास किया, मूसा के ऊपर अविश्वास किया और उनके साथ झगड़ते रह गया। और उसके साथ साथ बाइबल धर्मशास्त्र ये भी बतलाती है उनके अविश्वास के कारण उनका गर्दन बहुत कड़ा हो गया, झुकने के लिए तैयार नहीं थे, घमंड और अविश्वास उनको परमेश्वर से अलग कर दिया। उसके चलते बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है वे परमेश्वर को रुष दिलाए। उसके चलते पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय को घर में बाद में पढ़ लीजिएगा, वे परमेश्वर को मार्ग में चलते समय में रुष दिलाए, उसके चलते परमेश्वर मजबूरी में आके, दबाव में आके उनको मार्ग में ढेर कर दिया। भाई भाई ये सब इतिहास है, मैं आपसे जो कह रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर जो अपने महिमा को हमारे लिए प्रकट करना चाहता है, उस महिमा को देखने के लिए हमारे अंदर उस तरह का विश्वास चाहिए, ना इसराइलियों के जैसे विश्वास, ना यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जैसे विश्वास। इब्राहिम विश्वासियों का पिता है लेकिन अपने पत्नी के बारे में बोलने के समय में वो राजा से, अन्य देश का राजा से बोलता है ये मेरी बहन है, और उसको भी सिखाता है सारा को, इब्राहिम सारा को सिखाता है, कोई पूछेगा तो मुझे पति करके नहीं बोलना नहीं तो मुझे मार डालेगा, लेकिन उसका नाम क्या है, परमेश्वर का मित्र है और विश्वासियों का पिता है। इस प्रकार के विश्वास हमें नहीं चाहिए। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, हम अंतिम समय में आ गए, आखिरी समय में आ गए। बीते साल क्या, दो हफ्ता के पहले हम एक छोटा कमरा के अंदर बैठ करके प्रार्थना करते थे। हाँ हम जानते हैं हमारी दुर्दशा क्या थी, हम जानते हैं हमारी कठिनाई क्या थी, हम जानते हैं हमारा कष्ट क्या था, हम जानते हैं, हम सबको ही जानते हैं कि हम लोगों के साथ कितने प्रकार की दिक्कतें होती थी, फिर भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते रह गए। हमारे लिए वो करेगा, हमारे लिए वो आकाश की झरोखों को खोलेगा, हमारे लिए अद्भुत काम करेगा, हमारे लिए अपना पराक्रम को दिखाएगा, हमारे लिए वो चिन्ह और चमत्कार काम करेगा। हम उस विश्वास के ऊपर, उसी विश्वास में हम अटल रह गए क्योंकि उसने इस साल की शुरुआत में हमारे लिए एक वाचा दिया, हमारे साथ एक वाचा बांधा था कि वायदा किया था कि बरकत की बारिश होगी, जबकि हमारे पास उस समय कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदा को पूरा किया। मैं तो कहूंगा उसकी वायदा के अनुसार 60% कामें पूरी हो गई, लेकिन परमेश्वर की इच्छा होगी तो इसी साल समाप्त होने से पहले इस संपूर्ण काम को वो पूरा करेगा, अन्यथा अगले साल में ये काम पूरा होगी। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, मैं आपके व्यक्तिगत बात के लिए अभी जो बात मैंने कहा था, आमतौर से कलीसिया के लिए सबके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए मैंने इस बात को कहा था, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की महिमा को अगर आप प्रकट होते हुए अपने आंख से, आत्मिक आंखों से, शारीरिक आंखों से आप अगर देखना चाहते हैं, मैं उसकी सीक्रेट बतला रहा हूं, उसका मैं वेद बतला रहा हूं, आप अपने विश्वास में स्थिर रहिए, अटल रही। जब यीशु मसीह के पास यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले आकर के पूछे थे कि हमारा गुरुजी,
हमारा अगुआ हमसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछने के लिए हमको बोले हैं कि आने वाला आप ही हैं या और कोई आने वाला है कि उसके हम इंतजार करें। तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या जवाब दिया मालूम है? किसको देखने गए थे आप लोग? उनके बारे में आप लोग यही ना सोचते थे कि उनकी कामों को देख करके, उनकी सेवकाई को देख करके, उनके अद्भुत कामों को, उनकी बातों को देख करके, उनकी प्रचार को सुन करके आप लोगों ने बहुत कुछ उनके बारे में सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बयान सुनिए, मैं हर वचनों को निकाल निकाल के पढ़ा नहीं रहा हूं, आप ढूंढ के पढ़ी तब आप वचन के ज्ञान को प्राप्त जरूर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जंगल में किसको देखने गए? देखिए जवाब किस तरह, इन लोगों ने आकर के पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं प्रभु, हम जाकर के वहां जवाब देना, योना बपतिस्मा दाता आपसे पूछने के लिए कहा था, हमसे उसके लिए हमें उसके लिए आपके पास भेजा है कि आप बताइए आने वाला आप ही हैं या कोई और आने के लिए हमको इंतजार करना है। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब देखिए, किसको देखने गए थे आप लोग जंगल में? हवा में जो हिलता है सरकंड, उस सरकंड को देखने गए थे, हवा में हिल गया। आप पता नहीं आपके जितना वचन के ज्ञान है उतने आप मेरी बात को समझ पाएंगे। हवा में जो हिलता है सरकंड, सरकंड समझ रहे ना, पतला सा डंडी जैसा रहता है, तेज हवा में हिल जाती है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता सरकंड को देखने गए थे, उसके पीछे आप लोग सबको गए हुए थे सरकंड को देखने, उसमें जो मजबूती होना चाहिए था वो नहीं है, इसलिए उसके अंदर अभी अविश्वास आ गया। पहले वही उसी मुंह से कहा था मेरे बारे में कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही उद्धार करता है, यही हम सभी लोगों को पापों को उठा ले जाने वाला मेमना है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया मेमना, यही हमारे लिए बलिदान होंगे, इतना तक कह दिया। अभी पूछ रहा है आप ही आने वाला है? इस तरह का दबाव और इस प्रकार का मजबूरी कब आती है मालूम है? जब आपकी विश्वास अविश्वास में बदल जाती है। जब आप विश्वास में रहते हैं आपको बोली से आपको आप पहचान में आ जाएंगे कितना आप विश्वास करते हैं। हम केवल यहां रहने वालों के लिए प्रचार नहीं कर रहे, हमारी सोच वहां तक है, किसी दिन इस प्रचार को यूट्यूब में जो सुनेंगे उनके लिए भी मैं मिला करके प्रचार करता हूं। आप परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए एक ही एक रास्ता है, आप परमेश्वर पर 100% विश्वास कीजिए। जब आप 100% परमेश्वर की परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तब जरूर आप 100% परमेश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। अब हम उस वचन का आपके सामने लाते हैं, आगे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पुराना नियम में, आगे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसमें दूसरी अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। पहले जो महिमा थी इस भवन की, उससे भी ये महिमा पिछली महिमा बड़ी होगी। ना केवल भवन, पुराना नियम में एक भवन है, मैं उसको भी याद दिला रहा हूँ। मूसा के समय में जब मिस्र देश से लोग इज़राइल के ओर रवाना हुए थे, वे परमेश्वर के संदूक को लेकर के वे जाते थे। जब संदूक को लेकर जाते थे जहां पर वे लोग ठहरते थे वहां पर एक छोटा सा तंबू टेम्पररी तत्कालीन तंबू बनाते थे, उसके अंदर रखते थे, उस जगह में परमेश्वर का महिमा आगे उतर जाता था, यानी उस तंबू को घेर के परमेश्वर की महिमा रहती थी। और उसके बाद जब महिमा उठती थी अपने मन से वे लोग कुछ नहीं करते थे। ध्यान दीजिएगा, जो अपने मन से करते हैं वे परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। आपको जितना बाइबल की ज्ञान है उतने ही आप इस बात को समझ पाएंगे। जहां वे ठहरते थे परमेश्वर की महिमा उस तंबू को घेर लेता था। परमेश्वर की महिमा जब उठता था उस समय तंबू के लेकर के वे तत्कालीन जो तंबू बनाते थे संदूक लेकर के इजरायली सब कोई जाने लगते थे। ये पुराना नियम की बात, और पुराने नियम में राजा दाऊद मंदिर बनाने के लिए चाहा
लेकिन परमेश्वर उससे उसको बनने नहीं दिया, उसका पुत्र सुलेमान बनाया था, उस महिमा को, उस सुलेमान का जो मंदिर बनी थी, उस मंदिर के उद्घाटन जिस दिन हुई थी, अनगिनत वो बलि चढ़ाया और उस समय परमेश्वर का महिमा उस जगह में प्रकट हुई थी। और याजक लोग, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, याजक लोग उस मंदिर में रह करके सेवा करने में मुश्किल हो गया था, इतनी बड़ी महिमा को परमेश्वर ने उनके सामने प्रकट किया था। लेकिन उस महिमा जो तंबू में या परमेश्वर के मंदिर में, सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर में जो प्रकट होती थी, जो उस महिमा आकर ठहरती थी, उस महिमा को परमेश्वर नए नियम की कलीसिया में, ये मंदिर नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, ये मकान है, बिल्डिंग है। पर जब हम सबको यहाँ पर इकट्ठे होने के लिए आते हैं, उस समय परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में रहता है, परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, परंतु हम व्यक्तिगत तौर से, हमारे एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है। उसी के बारे में पौलुस पहला कुरिन्थियों तीसरी अध्याय का 16 पद में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। बात को समझ लीजिए, हर एक वचन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। पुराने नियम में जगह जगह में जहां वे रुकते थे और परमेश्वर का तंबू तत्कालीन तंबू बनाते थे और उसमें संतों को रखते थे, वहां पर परमेश्वर का महिमा आकर ठहरता था। और उसके बाद सुलेमान के समय में जब मंदिर बनी थी, उस मंदिर में परमेश्वर का महिमा आके उतरा। लेकिन नए नियम में परमेश्वर हम ही लोगों को मंदिर बनाया, हम अनेकों को उस महिमा में रखना चाहता है, हम सभी लोगों के जीवन में उस महिमा को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, हम सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर उस महिमा को दिखा करके हमारे जीवन में प्रतिदिन उस महिमा को प्रकट करते रहना चाहता है। उसके लिए एक हथियार की जरूरत है, जो विश्वास है। हमारे विश्वास जैसा है वैसा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। पुराने नियम में मैं कुछ बातों को याद दिला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मूसा के समय में जब मिस्र देश छोड़कर लोग आए थे, अपने संपूर्ण इस्राएलियों को लेकर के जब आए थे, उसके साथ उन लोगों के साथ जानवर सब भी थे, सब कुछ लेकर के वे आए थे। उनको मालूम नहीं था आगे लाल समुद्र है, रास्ता वहां बंद है। लेकिन मिस्रियों को यह मालूम था कि जिस दिशा को वो जा रहा है इस्राएली, इनको मालूम नहीं है आगे लाल समुद्र है, वहां जाकर के लोग रुक जाएंगे, इनको फिर हम गुलाम बना करके, कैदी बना करके अपने कब्जा में इनको फिर ले आकर के अपने ही देश में रखेंगे। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये आपके साथ आज भी होता है। शैतान कलीसिया के लोगों को अपने कब्जा में रखना चाहता है, वो किसी नेता को इस्तेमाल करे, किसी सरकार को इस्तेमाल करे, किसी राजा को इस्तेमाल करे, किसी जुट को इस्तेमाल करे, किसी को भी इस्तेमाल करके वो यही सोचता है परमेश्वर की कलीसिया को हम अपने कब्जा में ला दें। कभी नहीं हो सकता। मूसा के समय में इजरायली जाकर के लाल समुद्र के सामने खड़े हो गए और वे मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरोध में बोलने लगे, क्या मिस्र देश का हमारे लिए कब्रिस्तान नहीं था कि इस प्रकार मरुभूमि में ले आकर के हमें मुआने के लिए, मार डालने के लिए लेके आ गया करके मूसा के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में वे बकने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, गाली देने लगे। भाई बहन मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, उस समय में मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मूसा से कहता है, मुझसे क्यों प्रार्थना करते, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसके समुद्र को वो बड़ा हो, ये समुद्र दो भाग हो जाएगा। भाई बहन सुनिए, परमेश्वर की महिमा इसी रीति से हमारे जीवन में प्रकट होती है। जब हमारे लिए जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आगे हम अपने जीवन में अच्छे परमेश्वर की शांतिदायक दिन को देखने के लिए हमारे लिए रास्ता सब बंद है, चारों तरफ बैरिकेड, चारों तरफ रुकावट, चारों तरफ जो है एक पुलिस के जिस तरह कोई रोड को बंद करने के लिए वे लोग बैरिकेड लगाते हैं, रुकावट डालते हैं, इधर का रास्ता बंद रहेगी उधर से घूम के जाएगी। उस प्रकार शैतान जब कभी हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, कलीसिया के विरोध में कार्य करने लगता है, प्रार्थना कीजिए। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, जो प्रार्थना करता है
अपने मुंह से अविश्वास के शब्दों को नहीं बोलता है, जो प्रार्थना नहीं करता है उसकी मुंह से अविश्वास की शब्द निकलती है, उसी से एक आत्मिक व्यक्ति को पहचान सकते हैं। आपके मुंह से किस प्रकार की बातें ज्यादा निकलता है, आपकी बोली में कितना विश्वास है, आपके शब्दों में कितना विश्वास है, किस प्रकार आप परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए विश्वास करते हैं। समस्त इजरायली लोग मूसा के विरोध करते हैं, लेकिन मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आपने हमसे वायदा किया कि आपके लोगों को लेके जाएंगे, अब लाल समुद्र है, मुझे क्या करना है। परमेश्वर ने कहा मेरी महिमा को सबको याद देखेंगे। तुम क्या मूसा हमसे प्रार्थना करता है, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसको बढ़ाओ, समुद्र दो भाग हो जाएगा। वैसे हुआ था, इसराइली बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है इसराइली सूखी भूमि पे चलने के जैसे उस दिन चल के पार हो गए। इसराइलियों को देखने के बाद मिस्रियों के अंदर इस तरह का हिम्मत हुआ, अरे वो लोग जा सकता तो हम क्यों नहीं जा सकते, उनके देवता उनके लिए मदद करता तो हमारा देवता हमारे लिए मदद करेगा, इस प्रकार उनके अंदर विचार आ गई। विचार आने के बाद सबको अंदर गए, जब सबको बीच समुद्र में आए और उसमें भी एक अद्भुत काम को परमेश्वर किया। मैं आपको उसका रहा हूं, बाइबल पढ़ी, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, बाइबल पढ़ी, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय को घर में जाकर पढ़ी, 15 अध्याय को पढ़ी, वहां पर लिखा है जब मिस्री हिम्मत बांध के समुद्र के अंदर उतर गए, सुखी भूमि है हम भी चलेंगे, उन लोग चलता है तो हम क्यों नहीं चल सकते, उस प्रकार जब सोच करके आगे बढ़े तो परमेश्वर दोनों सेना के बीच में आग का खंभा को खड़ा कर दिया। आग का खंभा बीच में होने के कारण मिस्री इसराइलियों के ऊपर प्रबल नहीं हो सके, वे इस आग को पार करके वहां तक नहीं जा सके। इसराइली लोग सब कोई पार हो गए, तब परमेश्वर इस आग का खंभा काटाया ताकि ये लोग हिम्मत बांध के आगे बढ़े। तो बीच समुद्र में जब आए, दोनों समुद्र को परमेश्वर ने जोड़ दिया, सबको इस सत्यनाश हो गए थे। उस समय में जो रथ लेकर के इसराइली के विरोध में मिस्रियों ने गया, उन रथों की कोई छक्का आज भी उस लाल समुद्र में से निकाला जाता मिलता, म्यूजियम में रखा गया। भाई बहन ध्यान दीजिए, जब हम अपने विश्वास में अटल रहेंगे, परमेश्वर को अपने महिमा को प्रकट करने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हमारे विश्वास जैसा है उसके अनुसार परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करता है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक बात कह रहा हूं, इस कलिशिया के निर्माण करने के लिए हमारे पास मात्र 30,000 रुपया था, बीते यानी इसी साल के मार्च महीना में हम लोग के पास मात्र 30,000 रुपया था, बस 30,000 रुपया रख करके प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा कि काम को मैं करूंगा, उसके लिए एक वचन भी प्रभु ने दिया, इसी किताब में 4 अध्याय को पढ़ेंगे, 4 पद को पढ़ेंगे, आगे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 4:2। तो अभी अब यहोवा की हमारी है, हे जेरिको में हिराय बांध, याओ बांध, हे यहोशादाक के पुत्र, हे यहोशादाक के पुत्र, यहोशु महायाजक, हिराय बांध, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोग बांध कर काम करो। हियाव बांध कर मतलब हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारा संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, विश्वास के साथ हम काम करेंगे, परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। आपका प्रतिदिन डेली लाइफ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, प्रतिदिन की जो आपकी जीवन है, जितना विश्वास के साथ आप प्रभु में रहेंगे उतना परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते ले जाएगा। हालेलुया। विश्वास जहां है वहां परमेश्वर की महिमा जरूर प्रकट होगी। भाई बहन ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे जीवन में उस महिमा को प्रकट करना चाहता है, बस आपके विश्वास डिपेंड्स फेथ, हमारे जीवन की विश्वास के आधारित है परमेश्वर की महिमा किस तरह हमारे जीवन में प्रकट होना। हम जितना विश्वास करेंगे उतना परमेश्वर हमारे जीवन में उस महिमा को जरूर प्रकट करेगा। एलिया के दिन में बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, एक वचन को पढ़ेंगे इसी पुराना नियम में, पहला राजा का पुस्तक
उसकी 17 अध्याय, पहला राजा का पुस्तक उसकी 17 अध्याय, वहां पर 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। पहला राजा उसकी 17 अध्याय 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। यहोवा के यह वचन मानकर, ठीक है, वयातन के पुर में करेक नाम के नाले में जाकर, देखिए परमेश्वर ने उसे कहा था एलिया से कि तुम एक जगह में बतला रहा हूं, वहां जाकर के रहो। कैसे कि 4 पद से ही पढ़ेंगे, उसी नाले का पानी तू पिया कर। अच्छा होगा, 1 पद से ही पढ़ दे, अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा से पढ़े, एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से एक था, उसने आपसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं रचेगा और न वर्ष पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए बोली, देखिए जैसा विश्वास है वैसा बोलिए। मैं बारंबार इस बात को दोहरा रहा हूं, आपका विश्वास जैसा रहेगा उसी तरह आप बोली बोलेंगे। परमेश्वर भी सुनता हमारे विश्वास की बोली को, सैतान भी हमारा बोली को सुनता है। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, एलिया परमेश्वर के सामने परमेश्वर की उसका शब्द देखिए, मैं एलिया, पहला पद में लिखा यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। जिस तरह हमारी प्रार्थना है, जिस तरह हमारी विश्वास है, जिस तरह परमेश्वर के ऊपर हमारी भरोसा है, जिस तरह हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, उस तरह हम उससे डिपेंड करेंगे, उससे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उससे मैं झुक जाएंगे, उसके साथ लग जाएंगे, उसके साथ मिल जाएंगे। विश्वास इनके अंदर इतना जबरदस्त था, इसीलिए वो इस प्रकार बोलता है कि मैं रात दिन परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहने वाला, यानी प्रार्थना करने वाला। उसके चलते वो बोलता, राजा को बुला के बोलता है, सुनिए राजा, आइए सुनिए, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस देश में बारिश नहीं होगी, मैं नहीं बरसेगा। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, आपकी जैसा विश्वास है वैसा आपकी बोली है, जैसा आपकी बोली और आपकी जिस प्रकार की जो है विश्वास की जो अंगीकार है, शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आपके जीवन में काम होगी। ये व्यक्ति इसलिए इस आधार पर बोलता है, मैं प्रार्थना करता हूं और मैं परमेश्वर के सम्मुख में रहता हूं, जीवित परमेश्वर जो यहोवा है उसके सम्मुख में मैं रहता हूं, इसलिए मैं नहीं घबराता, इसलिए मैं नहीं डरता, इसलिए मैं किसी को भी परमेश्वर के नाम पर बोलने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए वो राजा को बुलाता है, राजा से बोलता है, सुनिए राजा आहा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा जब तब तक बारिश नहीं होगी। विश्वास के आधारित है, ध्यान दीजिए, परमेश्वर उसको वचन दिया, उस वचन के अनुसार वो राजा को बोल दिया। बोलने के बाद पढ़े दूसरा पद, तब यहोवा का ये वचन उसके पास एलिया के पास पहुंचा, यहाँ से जाकर पूर्व की ओर चला जा और करेक नामक नाले में जो यरदन के पुल में छिप जा, छिप जाओ, उसी नाले का पानी तो पिया कर, पिया कर। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि, कौओं को मैंने आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। कौवा छिल के भागता है ना, कौवा किसी को खिलाता है जी, कौवा आपके हाथ से जो भी रहेगा उसको छिल करके लेके भाग जाने वाला आदत रखता है। लेकिन परमेश्वर उसका विचार को बदल रहा, उसका सोच को बदल रहा, उसकी जो दिमाग में जिस प्रकार उसके अंदर का सोच आदम जो जिस प्रकार उसके आदत रहता है, उस आदत को परमेश्वर बदलता है। कैसे, कौओं को मैं आज्ञा दिया है एलिया, उन कौवे तुम्हारे लिए भोजन का व्यवस्था करेंगे, वे पहुंचाएंगे। जो कौवा छिन के भागता है, लूट के भागता है, ठीक है ना, उसी कौवा को परमेश्वर जिम्मेवारी दे रहा है, तुम मेरा दास एलिया को ले जाकर के खिलाएंगे। लिखा है नीचे पढ़े, यहोवा परमेश्वर का ये वचन मानकर, देखिए यहाँ भी एक शिक्षा हमारे लिए, यहाँ भी एक शिक्षा है। तो हम रहते हम सोचते, आप रहते आप सोचते, कौवा कौवा तो नहीं देगा, कौवा का हाथ में कोई अगर कुछ दे करके बोलेगा कि ये ले जाकर वहां पहुंचा दो, वो अपने काके बैठ जाएगा, वो कैसे पहुंचाएगा,
उसका नेचर है, उसका आदत है, उसका उसका जीवन ऐसा ही है, वो दूसरों से लूट के भागने वाला है। विश्वास का मतलब यही है। परमेश्वर का वचन के अनुसार यहोवा पांच पद में लिखा, यहोवा के ये वचन मानकर, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, परमेश्वर का वचन को जो मानेगा वो कभी भी नीचे नहीं रहेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा स्थान में रखेगा। यहोवा परमेश्वर का वचन को मानकर एलिय्याह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा छेपर। और सवेरे शाम को, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए छेपर को, पांच पद को, सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और नाले का पानी पिया करता था। बस आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखेंगे और उसके साथ आप जुड़े रहेंगे। जैसे एलिय्याह कहता है, मैं परमेश्वर यहोवा के सम्मुख में रहने वाला, अर्थात प्रार्थना करने वाला, इसलिए मैं नहीं डरता, इसलिए मैं अविश्वास नहीं करता, वो मुझे जानता मैं उसको जानता, बस बात करता हूं। आपके जीवन इस प्रकार होना चाहिए, तब आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आपकी भरोसा परमेश्वर पर है या आपकी भरोसा किसी मनुष्य पर है? अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं आपका विश्वास तगड़ा है, आप मनुष्य पर अगर विश्वास रखते हैं आपका विश्वास कमजोर है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इस बाइबल धर्मशास्त्र का बीच वचन भजन संहिता 118 अध्याय, भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 8 पद हमें क्या शिक्षा देता है परमेश्वर। बाइबल धर्मशास्त्र का यही सेंटर पॉइंट है, परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देता है, भजन संहिता 118 अध्याय का 8 पद, यहोवा परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। भाई बहन ध्यान दीजिए, हम जितना मनुष्यों पर भरोसा रखेंगे उतना परमेश्वर पर भरोसा विश्वास नहीं रखेंगे। कहां हमारी कमजोरी है, कहां हमारे आत्मिक जीवन में त्रुटि है, कहां हमारे आत्मिक जीवन में रुकावटें हैं, विश्वास करने से हमें पीछे की ओर पकड़ कर रोकती हैं, उस रोकने वाली ताकतें। नया नियम में एक सुंदर वचन है, इब्रानियों को पत्री उसकी 12 दिया, पहला और दूसरा पद तो पढ़ेंगे, इब्रानियों को पत्री उसकी 12 दिया। बाइबल धर्मशास्त्र परमेश्वर के दास लोग किस प्रकार अनुभव के साथ बातों को हमारे लिए सिखाते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक, आपके पास कलम ये आपके लिए भविष्यवाणी है, हमें परमेश्वर के पास रोकने से जो भी रोकने का ताकत रखने वाली या रोकने वाली जो वस्तुएं, रोकने वाली जो चिंताएं, रोकने वाली जो हमें दबाने वाली बातें हैं, रोकने वाले बोझ हैं, रोकने वाले अशांति हैं, परमेश्वर के पास जाने से हमें रोकने का कुछ ताकत हमेशा इस संसार में कार्य करते रहता है। उस ताकत को आपको पहचानना होगा। मैं नहीं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं हमको कौन सा ताकत रोकता है, आपको कौन सा ताकत रोकता है, आप जानते हैं आपको कौन सा ताकत परमेश्वर के पास जाने से रोकता है। उस ताकत को पहले खत्म कीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, इस कारण ये जो शब्द है, इस कारण आप 11 अध्याय को पूरा पढ़िएगा, वहां एक लंबी सूची है, पुराने नियम के पहला अध्याय से लेके पुराने नियम के आखिरी अध्याय तक है, जितने विश्वास में इस संसार में जी के दिखलाए, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के महिमा को देखे और दुनिया के लोगों के लिए प्रकट करके दिखला दिए थे, उन सभी लोगों का नाम उस 11 अध्याय में लिखा हुआ है। इसलिए उस 11 अध्याय के यहां पर लिखने वाला लेखक तो जोड़ता है। इस कारण 12 अध्याय ऐसे ही नहीं शुरू होता है, 11 अध्याय का अगर काट के हटा देंगे तो 12 अध्याय का कोई कीमत नहीं है। इस कारण, किस कारण
ऊपर जो लिखे हुए लोग हैं जिनका नाम है एक बड़ी सूची 11 अध्याय में दिया हुआ है उनको लेकर के यहां पर लेके लिखता इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ी बादल हमें हमको घेरे हुए हैं तो आवो हैं हरेक हमें विश्वास से आगे बढ़ने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ हम दौड़े। ध्यान दीजिए कि ये बहुत गंभीर बात है। एक यहां पर रोकने वाली वस्तु आपके अंदर है, हम हर किसी को अंदर इस वस्तु कभी कभी कार्य करता होगा, किसी किसी को रोज कार्य करता होगा, इस कारण आप आत्मिक जीवन में मजबूत नहीं हो पा रहे। किसी आप पेड़ को लगाते हैं मिट्टी में रोपते हैं या गाड़ते हैं रोज उसमें 50 बाल्टी उसमें पानी डालेगा वो कभी बढ़ेगा नहीं सड़ जाएगा। ध्यान दीजिए कुछ वस्तुएं ऐसा है जो हमारे आत्मिक जीवन को सड़ाने का कार्य करती है जो हमारे अंदर है उसको हम ही पहचान सकते हैं मेरे अंदर कौन सा उस प्रकार की वस्तु है। दूसरा एक शब्द यहां पर लिखा हुआ उलझाने वाले पाप, उस प्रकार के पाप हमारे विश्वास में हमें बढ़ने नहीं देगा। उस प्रकार की वस्तु हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर के संबंध में हमें जोड़ कर रखने के बदले हमारे विरोध में कार्य करेगा जो हमें परमेश्वर से अलग करने का ताकत रखता है। उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु। अब हम आपसे कह रहे हैं परमेश्वर को उस परमेश्वर ने कहा पिछली महिमा बड़ी होगी, उस पिछली महिमा हमारे जीवन में हमने कल तक यानी आज तक हमने जितना महिमा को परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में देखते आया प्रभु कहता है आने वाले दिन में यानी पिछली महिमा हमारे पीठ के पीछे के जो दिन की जो महिमा है जो मैं तुम पर प्रकट करने वाला हूं वो महिमा बड़ी है। उस महिमा को आपके जीवन में देखने के लिए दो बात पर ध्यान देना, एक हमारी दौड़ को इस विश्वास की दौड़ को रोकने वाली वस्तु, नंबर एक अगर आप लिखते हैं तो लिख के रखिए या तो उसी बाइबल के साइड में लिख के रखिए, ये दोनों परमेश्वर की ओर से हमारे लिए इंडिकेशन है। लाइट बत्ती जलने के जैसे वो हमको एक तरह लाल एक तरह हरा करके दिखा रहा है देख लो ये रोकने वाली वस्तु तुम्हारे विश्वास को रोकने का जो ताकत रखता उस वस्तु को पकड़ो और पापों में उलझा करके तुम्हारे विश्वास को डमाडोल या कमजोर करने वाली जो उलझाने वाले जो पाप है उसको पहचानने के लिए कोशिश करो। लिखा है नीचे और वह दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ो। मसीह दौड़ आत्मिक दौड़ एक बैग 300-500 किलोमीटर रफ्तार में दौड़ने का नहीं है। भाई बहन यहां पर एक छोटा बच्चा को शिक्षा देने के जैसे इस बाइबल धर्मशास्त्र हमें शिक्षा देती है परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में बड़ी होगी, पिछली महिमा बड़ी होगी, इसके पहले जितना प्रकट हुआ था उससे एक बड़ी महिमा को मैं प्रकट करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए उस महिमा को देखने से पहले हमें उस महिमा से या उस महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर से अलग करने वाला जो ताकत है उस ताकत को पहचानने के लिए कोशिश करो कि रोकने वाली वस्तु उस महिमा को देखने से रोकने वाली वस्तु उस महिमा को हमसे दूर करने वाले उलझाने वाले पाप ये दोनों से हमको अलग होना होगा। अब आप ही को मालूम है कौन सा वस्तु आपको रोक के रखा है प्रार्थना करने से पवित्र जीवन बिताने से, किस चीज के बारे में ज्यादा आप सोचते हैं। मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं बच्चों से जवानों से और जो गूगल मीट के द्वारा जुड़े हुए लोग हैं या लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक में जो जुड़े हैं आपसे मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिए परमेश्वर की महिमा जो आपके जीवन में प्रकट करने के लिए आपके पिछली परमेश्वर आपके लिए इसके पहले जितना महिमा को प्रकट किया था उससे जो पिछली महिमा बड़ी होगी करके जो बतलाता है उस बड़ी महिमा को देखने से रोकने वाले वस्तु कौन है आपके अंदर और वो पाप जो आपको उस महिमा को देखने से
रोकती है, उलझा के रखती है उस पाप में, उसको आपको पहचानना होगा। और मसीह के साथ इस दौड़ में हमें धीरज के साथ दौड़ना होगा, तब हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे। मैं बीते हफ्ता एक वचन को पढ़ा था, मैं यहां पर उसको याद दिलाने से अच्छा रहेगा, आपको ध्यान दीजिए। लेकिन उससे पहले दूसरा पद पढ़ना बहुत जरूरी है इसी अध्याय में, ये 12 अध्याय का दूसरा पद, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जितना दुख, क्लेश, मुसीबत, परेशानी, विरोध और सतावट और रुकावट शैतान की ओर से, प्रभु को भी रुकावट हुई थी। प्रभु जब उपवास कर रहा था उस समय शैतान आकर उसको 3 बार परीक्षा लिया और कितने बार उसको क्रूस के मृत्यु से पहले ही मार डालने के लिए कोशिश किया, सब कुछ उसके साथ चलता रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को धीरज के साथ, आनंद के साथ, लज्जा की कुछ चिंता ना करके आनंद के साथ वो उस दौर में दौड़ता रहा, और उसके कारण अंत में परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के दाहिने ओर बैठना है, मुझे भी बैठना है और उस पिछली महिमा को देखना है। पहले दो बात पर ध्यान दीजिए, उन वस्तुओं को पहचानने के लिए कोशिश कीजिए जो आपको परमेश्वर पर विश्वास करने से रुकावट डालता है। दूसरा, परमेश्वर के पास न जाने के विचार से आपको किसी पाप में अगर उलझा करके रखा है, उस पाप को पहचानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर से मिलने, परमेश्वर के पास पहुंचने से, परमेश्वर की महिमा को महिमा को देखने से रोकने वाली वस्तु, इस संसार में कुछ कुछ पापों में उलझा कर रखने वाले उस पापों से हमें सावधान होने की जरूरत है, तभी हम उस महिमा को देख पाएंगे जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। ध्यान दीजिएगा, मैं बीते हफ्ता एक वचन पढ़ा था, उस वचन को याद दिला रहा हूं, फिलिपियों के पत्री उसकी 3 अध्याय, जिस वचन को बीते हफ्ता जो प्रचारक आए थे वो बोले थे, उसमें 3 अध्याय, 3 अध्याय की 14 पद को पढ़ेंगे, 3:14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, 13 पद से पढ़ेंगे, हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना है, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं मसीह यीशु को पकड़ चुका हूँ या मसीह यीशु मेरे लिए जो महिमा रखा है उसको पकड़ चुका हूँ, जो परमेश्वर मेरे लिए स्थान रखा है, डेस्टिनेशन, उस स्थान तक मैं पहुंच चुका हूँ। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने को ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, यीशु मसीह केवल इस चर्च में यहाँ तक हमको नहीं बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह हमको स्वर्ग तक बुलाया है। जब आपकी विचार उस बात पर ज्यादा रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमको स्वर्ग तक बुलाया है, वो स्वर्ग तक साथ देगा, यीशु मसीह स्वर्ग तक साथ देने के विचार से ही ये कह करके इस संसार से मर के जी उठने के बाद स्वर्ग जाने के समय में कह के गया था, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, ध्यान दीजिए, मैं वापस आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह वापस आने के बाद मतलब यह है कि वह रास्ता में हमारा गला काट के छोड़ के नहीं गया। दिस कॉल इज हेवनली कॉल, ये बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट को समझने की कोशिश कीजिए, आपका आधा रास्ता में छोड़ के भागने वाला नहीं है यीशु मसीह। भले हम छोड़ के भाग जाएंगे, भले हम विश्वास में कमजोर हो जाएंगे,
भले हम में से कोई कोई जो पाप को छोड़ दिए थे बपतिस्मा लेने के समय में, उस पाप में फिर आप गिर गए होंगे, फिर आप उठते होंगे, फिर आप खड़े होते होंगे, फिर आप प्रभु यीशु को नाम लेते होंगे, फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे, प्रभु को फिर आप पीछा करते होंगे। ये सब हम में होता है, इंसान में होता है, लेकिन परमेश्वर में ऐसा नहीं होता है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि वो मनुष्य नहीं हमारे जैसे मन बदलने, अपना बोली बदलने। परमेश्वर अपना जो बोल दिया, हाँ मतलब हाँ, ना मतलब ना। वो उल्टा सीधा काम नहीं करता है, वो जीभ पलट पलट के नहीं बोलता है, वो विचार को नहीं बदलता है, वो सोच नहीं बदलता है, वो अपने जीवन को नहीं बदलता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इब्रानियों के पत्र उसकी 13:8 पद में लिखा, प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग तक एक सा है। वो नहीं बदलता है, उसका प्यार नहीं बदलती है, उसका सोच नहीं बदलता है। हमारे बारे में जो भरोसा रखता है, हमारे ऊपर जो विश्वास रखता है, हमारे लिए जो प्रतिज्ञा प्रॉमिस जो दिया है, उसको वो नहीं बदलता है। हम इंसान कभी कभी बदल जाते हैं। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यहां स्पष्ट तौर से लिखा है मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कहता है मैं पीछे की बातों को पीछे छोड़ देता हूं, अब हमको नई महिमा को देखना है, पुरानी महिमा नहीं, उस नई महिमा, उस बड़ी महिमा को देखना है। इसलिए मैं पीछे की बातों को पीछे जो मैंने किया था, मसीह का विरोध किया, मसीह के लोगों को मारा, मसीह के प्रचारकों को मारा, मसीह के नाम से जहां भी लोग बैठ करके प्रार्थना आराधना करते थे और मसीह को महिमा करते थे, जहां मसीह के वचन पढ़ाया जाता था, मसीह के वचन प्रचार किया जाता था, जहां पर मसीह के नाम से लोग बैठ करके प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, उनके बीच में मैं घुस के उनको मैं पीटता था, मारता था, घसीटता था, उस आराधना को मैं बंद कर देता था, और मसीह यीशु के चेलों को मैं जेल खाना में ले जाके बंद करने वाला था। ये सब मेरा पीछे जीवन है, उस जीवन को मैं छोड़ता हूं, क्योंकि हमको नई महिमा देखना है, क्योंकि हमको बड़ी महिमा देखना है, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर जो 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 पिछली महिमा मेरे लिए प्रकट होने पर है, उस महिमा को मुझे देखना है। उस महिमा को देखने के लिए मैं सुधरता हूँ, मैं बदलता हूँ, मैं मन फिराता हूँ, मैं मनुष्य के ऊपर नहीं, मैं परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास और भरोसा रखता हूँ। भाई भाई इसलिए वो एक बात को यहां पर कहता है, मैं पीछे की बातों को पीछे छोड़ देता हूं, आगे की बातों को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। ये नहीं है मैं पकड़ चुका हूं, पकड़ने के लिए मैं दौड़ता हूं। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करके जो बोलते हैं, यानी लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात है। मसीह जीवन एक दिन की नहीं है, मसीह जीवन प्रतिदिन की है। आप इस बात को समझने के लिए कोशिश की, मैं बहुत बहुत गंभीर बात को आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूं, मसीह जीवन, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, दोहरा रहा हूं, मसीह जीवन एक दिन की नहीं है, मसीह जीवन प्रतिदिन की है, तब तक की है जब तक प्रभु यीशु मसीह लौट के इस संसार में नहीं आएगा, और हमें एक अपने योग्य दुल्हन करके ग्रहण करके हमें यहां तक स्वर्ग, यहां से स्वर्ग तक लेके नहीं जाएगा, तब तक हमको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ता की बात नहीं है, एक महीना की बात नहीं है, 4 महीना की 6 महीना की 1 साल से 10 साल की बात नहीं है। जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक इसको मेंटेन करना है, अन्यथा जब तक हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दोबारा नहीं आएगा, तब तक हमको इसमें उस पद तक, उस डेस्टिनेशन, उस पद तक पहुंचने के लिए मसीह में हमको दौड़ा चला जाना है, दौड़ते रहना है। इस बात पर ध्यान दीजिए, तब हम इस महिमा को देखेंगे। और उसका ही जीवन का एक बात और जोड़ रहा हूं, रोमियो के पत्र उसके 8:18, रोमियो के पत्र उसके 8 और उसमें 18 कितना सुंदर ढंग से वो अपना जीवन का अनुभव को लिखता है, पढ़ेंगे, मिल गया तो पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश, ध्यान दीजिएगा उस महिमा के बारे में बोलता है, मैं पौलुस समझता हूँ कि इस दुनिया में इस समय की दुख और क्लेश, उस महिमा के समय
उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली, जो हम पर प्रकट होने वाली महिमा है, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं। हालेलुया। आपको तो अपने से बोलना चाहिए था हालेलुया। उस महिमा के सामने आज का दुख, क्लेश, मुसीबत, परेशानी, नाना प्रकार की चिंता, जरूरतें, आपकी जरूरत के बारे में परमेश्वर जानता है। बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, इस पर ध्यान दीजिए। आप जितना परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास जाएंगे, बाइबल का वचन आपको प्रकाश में ले जाएगी, परमेश्वर की रोशनी में ले जाएगी। बाइबल धर्म शास्त्र प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा क्या जरूरत है वो जानता है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहां जितने हम बैठे हैं, चाहे जूम चाहे गूगल के द्वारा हम जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए, मैं गंभीर बात को बोल रहा हूं। कभी कभी हम जबरदस्ती अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, जोड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन उससे आपके जीवन क्या होगा क्या नहीं होगा परमेश्वर जानता है। इसलिए बाइबल धर्म शास्त्र बताते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऊपर देखो, चिड़ियों को देखो, बोता नहीं, काटता नहीं, कट्टे में जमा नहीं करता, उनको भी मेरा परमेश्वर भोजन देता है, क्या तुमको नहीं देगा? पर पहले परमेश्वर का राज है, उसके धर्म की खोज करो, तब ये सब बात सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी, परमेश्वर देगा। इसलिए मेरा परमेश्वर तुम्हारा जरूरत क्या है वो जानता, मांगने से पहले जानता है। भाई बहन, इस बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर से हम मांग सकते हैं, करके मांगने से कभी कभी लफड़ा में फंस जाते हैं लोग, कभी कभी लोग लफड़ा में फंस जाते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम प्रार्थना करके मांगने से पहले ही तुम्हारी हर जरूरत को जानता है। यह नहीं है कि मेरे बोलने से ही उसको मालूम है क्या वो अंधा है या बहरा है, हम प्रार्थना करते वो नहीं सुन पाता है। हमारा लॉजिक को हम बदल ले, कभी कभी जो हमारा सोच है परमेश्वर के वचन को कमजोर करने के जैसा हम सोचने लगते हैं, उस पर छोड़ दीजिए। पहले परमेश्वर का धर्म और उसके राज्य की खोज कीजिए। हम जितना आत्मिक है उस हिसाब से परमेश्वर हमारे लिए सब इंतजाम करेगा। मैं आपको बतला रहा हूं, मैं भी सोचा था कि मिशनरी बन के जब गया था 1992 में, मैं मिशनरी सेवकाई के लिए अर्पण किया था। बाइबल कॉलेज पढ़ने के कारण मैं 94 में गया था। जो जाने के समय में मेरा सोच यह था कि मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों ऐसा सोचा था मालूम? मेरे घर में मेरी बहनों की शादी नहीं हुई थी और मुझसे दो बड़े भैया थे, उन लोगों की शादी नहीं हुई थी। मैं सोचा था उनके शादी होने दीजिए, मैं शादी नहीं करूंगा। और सूर्या के बारे में मैं बोल रहा हूं, वो भी वैसी सोचती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है, शादी करूंगी तो मेरे लिए खर्चा कौन करेगा, मेरी माँ विधवा है, आमदनी नहीं है, मेरे भैया सब सेवकाई में चले गए, मेरे लिए कौन खर्चा करेगा, नहीं करेंगे। उसका सोच ऐसा था, मेरा सोच ऐसा था कि मेरे घर में मुझसे भी बड़े लोगों का शादी नहीं हुआ, मैं कैसे शादी करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर को हमारा जरूरत मालूम है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं एकदम सटीक बात का आपके सामने रख रहा हूं। कभी कभी हम परमेश्वर को जबरदस्ती करने लगते हैं, उस पर छोड़ दीजिए। हर बातों के लिए बोल रहे हैं, हर बात के लिए मैं बोल रहे हैं, सभी बात को परमेश्वर पर छोड़ दो और वो अपने महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। और बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, जो पीछे की बात है उसके पीछे छोड़ दो, आगे हमारे लिए जो डेस्टिनेशन, जो परमेश्वर जो हमारे लिए एक जगह रखा है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करें, बाकी सब परमेश्वर अपने से हमारे लिए देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता के बारे में हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर पिता को तुम्हारा जरूरत क्या करके अच्छी तरह से मालूम है। विश्वास करने वाले एक दाहिने हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोले, उसको मालूम है। आप क्यों चिंता करते हैं? करता है वो तेरी चिंता, तुम क्यों चिंता करते हो? बगल वाला से बोलिए, तुम क्यों चिंता करते हो? बोलो बोलो बोलो, तुम क्यों चिंता करते हो? हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो मेरी चिंता करता है। भाई बहन, यही
परमेश्वर की महिमा है कि हमारे लिए एक चिंता करने वाला परमेश्वर है। ताली बजा के हमारे लिए एक चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारी माँ हमें भूल सकती है, हमारा पिता हमें भूल सकता है, हमारा भाई बहन हमें भूल सकता है, हमारा रिश्तेदार हमें भूल सकता है, हमारे चारों तरफ रहने वाले हमारा दोस्त हमारे यार सब कोई हमें हमारा समाज हमें भूल सकती है, लेकिन जो प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर हमारे पापों के लिए हमारे गुनाहों के लिए हमारे अपराधों के लिए हमारे तमाम श्रापों के लिए हमारे दुखों के लिए हमारे बीमारी के लिए हमारे चिंता के लिए जो प्रभु क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया वो कभी नहीं भूल सकता है, वो कभी नहीं छोड़ सकता है, वो कभी नहीं त्याग सकता है। इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आशा दिलाती है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और बाइबल धर्म साथ बतलाते मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। और यूहन्ना 14 अध्याय का 18 पद में लिखा है मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कभी अनाथ नहीं छोड़ सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं 1984 में मेरे पिताजी गुजरे थे, मैं आज तक कभी नहीं सोचा बिना पिता का मैं औलाद, बिना पिता का मैं एक जवान, मैं कभी सोचा ही नहीं था प्रभु में आने के बाद, क्योंकि मेरे पिताजी मरने के बाद मैं प्रभु में आया। उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी नहीं सोचा कि मैं अनाथ हूं। पहले सेमी ऑर्फन था और उसके बाद मेरी मम्मी मरी, उसके बाद मैं फुल्ली ऑर्फन हो गया। पहले आधा अनाथ था, बाद में मां मरने के बाद पूरा अनाथ हो गया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैं अनाथ हूं, क्योंकि परमेश्वर अनाथों का पिता। हालेलुया। भाई धर्म का बताते हो अनाथों का पिता है। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारे प्रति बहुत ध्यान है। पढ़े उस वचन को, पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 पद, पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय का 7 पद, पहला पत्रस की पत्री उसकी 5 अध्याय और उसकी 7 पद पढ़े। अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान, क्योंकि परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। कभी कभी हम सोचते हैं हमको हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ध्यान देने वाला आपको देखते रहता है। हालेलुया हालेलुया। आप उसको नहीं देखे हैं, आपको देखने वाला। बाइबल धर्म शास्त्र में पुराने नियम में एक स्त्री कहती है, हजरा उसका नाम है, मुझे देखने वाला को मैं देख ली। हालेलुया हालेलुया। मुझे देखने वाला परमेश्वर को आज मैं देख ली, क्योंकि उसका बच्चा मुंह सूखते हुए मरुभूमि में मरने पर था, मुंह सूख गया, चलते 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 शरीर में जितना पानी था सूख गया, अभी मुंह ओंठ जो ना चिपकने लगा, जीभ ऊपर तालुक में सकने लगा, मरने के अवस्था में आ गया। इसका एक उस समय वो बोलती है हे परमेश्वर मेरा बच्चा को बचाइए। तब उसके लिए परमेश्वर वहां पर पानी के इंतजाम करता है, पानी पीने के पानी पिला करके वो कहती है मुझे देखने वाला परमेश्वर को मैं देख रही हूं। परमेश्वर हमको देखता है, परमेश्वर को हमारे ऊपर चिंता है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। क्यों करता हूं मैं तेरी चिंता, तुम क्यों चिंता करते हो। वो ये गीत है, हमको गीत पूरा नहीं मालूम है, मैं आपसे कह रहा हूं YouTube में जाकर ढूंढ के उस गीत को सुनिए, उसको बयान कीजिए, मनन कीजिए। कभी भी आप चिंता नहीं करेंगे, कभी भी आप दुख में नहीं रहेंगे। परमेश्वर की महिमा को प्रतिदिन देखने की जगह में विश्वास आपकी इतना मजबूत हो जाएगी, आप प्रभु की महिमा को प्रतिदिन देखेंगे। बहन धर्मशास्त्र बतलाती है कि उसको तुम्हारा बहुत चिंता। पढ़े दूसरी बात 7 पद, पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय के 7 पद, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल, अपनी सारी चिंता उस महान प्रभु जो यीशु मसीह है उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम कभी कभी सोचते हमारा कोई देखने वाला नहीं है, हमारा कोई देखने वाला नहीं है, हमारा कोई देखने वाला नहीं है,
आप अविश्वास करते हैं, अगर ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर को चोट पहुंचाते हैं, परमेश्वर को दुख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, दैट इज टोटली रॉन्ग, वो पूरी तरह से गलत है। बाइबल बाइबल धर्मशास्त्र का अनुसार मैं एक वचन और भी दिखा रहा हूं, 11 अध्याय का 28 पद मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह, ये तो पत्रस लिखता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कहता है, पढ़े 11 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 28 पद, हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नीचे पढ़े, नीचे मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम अपने मन में विश्राम पाओ। परमेश्वर वायदा करता है, दिस इज गॉड्स वन ऑफ द गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर का एक और वायदा है, तुम मन में विश्राम पाओगे जब अपना बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दोगे, अपना चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे। भाई बहन बहुत लोग अपने ही रख करके परेशान रहते हैं, आज इसमें से छुटकारा पाइए, आज इसमें से आजाद हो जाइए, आज अपने ऊपर का सारा चिंता बोझ और तमाम प्रकार की घबराहट बेचैनी अशांति सभी बातों को जो आपको दुख देता है, जो आपको विश्वास में बढ़ने नहीं देता है, उन सारे बोझ को उठाकर यीशु मसीह पर डालो। प्रभु कहता है तुम मेरे ऊपर डाल दोगे ना, तुम विश्राम पाओगे, मैं तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा, तुमको मैं विश्राम दूंगा। ऐसा परमेश्वर कहां मिलेंगे, ऐसा परमेश्वर कहां मिलेंगे। इसलिए आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु का हाथ में अपने आप को अर्पण करें। मैं अगला हफ्ता भी इस प्रचार को करूंगा, परमेश्वर की हमारे जीवन में परमेश्वर की पिछली महिमा बड़ी होगी, इसके पहले जितना महिमा को हमने देखा उससे बड़ी महिमा आने वाले दिन में हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। मेरी बटकी टूटी जिंदगी प्रभु तेरे पास आती है। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए मैं कहूंगा अपने जगह में खड़े हो जाएं, हम मिलकर के गीत गाते हुए प्रभु के पास आएंगे। मेरी बटकी टूटी जिंदगी प्रभु तेरे पास आती है, तेरी चूड़ी के दरे सच शांति हो पाती है, मेरी बटकी
मसीह के सामर्थ्य नाम से हालेलुया हम सबको अपने जीवन का आपके हाथ में सौंपते हैं। तू हमें संभालने वाला, तू हमारे लिए चिंता करने वाला, तू हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों के बारे में जानकारी रखने वाला, सबसे बढ़कर हमारे जीवन में प्रतिदिन अपने बड़ी महिमा को प्रकट करने वाला सामर्थ्य पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो हमारे अंदर का विश्वास को जगाया, जो हमें आपके निकट में पहुंचाया। महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर, तू बड़े हम घटने पाए, तेरा नाम ऊंचा होने पाए, हम हमारे नाम मिट जाए स्वामी। प्रार्थना करते एक और बार गलीशिया के तमाम लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, जो फेसबुक के द्वारा इस आराधना में जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो गूगल मीट के द्वारा इस आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं, जो आने वाले दिन में फेसबुक के द्वारा आने वाले दिन में प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा इस प्रचार को सुनेंगे, उनके लिए भी अभी हम प्रचार करते हैं, सबों के जीवन में तू अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कीजिए, सबका दुख दूर कीजिए, चिंता को खत्म कीजिए, बोझ काटाइए। प्रभु देसा तूने कहा है हालेलुया, जो महिमा तुम पर प्रकट होने वाली है उस महिमा के सामने आज का क्लेश दुख मुसीबत चिंता कष्ट कुछ भी नहीं है। उस बड़ी महिमा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। लगातार अगला हफ्ता भी इस मुद्दा के आधार पर तेरे वचन को अध्ययन करने के लिए सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ आए हुए सभी लोगों को तेरा आत्मी सुनते सबको नाम बनाम आशीर्वाद दे, तेरा अनुग्रह सबके साथ होने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन। सबको मिलकर के बोलेंगे हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन।